Good morning, students. I hope you are doing very well in your homes. Stay safe. अच्छे से रहिए आप लोग. कोरोना बहुत बढ़ गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में किसी को कोरोना ना हो. आप लोग घर पे अच्छे से रहें, सेफ रहें, साउंडफुल रहें. सो टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री सिलेबस. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था, थोड़ा ही सा डिस्कस किया था. तो है क्या नेशनलिज्म इन इंडिया, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से शुरुआत होती है नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सा इंसिडेंट, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. बड़े बड़े इंसिडेंट्स जैसे कि खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, हम लोगों ने ये जाना था. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कब जागी. नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जागी जब वो एक्सप्लॉइट होने लगे, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, उनका शोषण हो रहा था. तुम लोग जानते हो हम लोगों पे इंडिया पे अंग्रेजों का शोषण शासन था और वो लोग शोषण कर रहे थे. शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन. तो ये लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कब जागी, जब ब्रिटिशर्स ने उन पर बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू किया. सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मॉडर्न नेशनलिज्म जो यूरोप में आया, कैसे आया भाई, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. जैसे जैसे नेशन बनता गया, राजा वहां तक मोनार्की सिस्टम जैसे जैसे खत्म होता गया, वैसे वैसे नेशन स्टेट्स लोगों के अंदर एक देश राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो जगती चली गई. ये ऐसे शुरुआत हुई थी पूरे पूरे यूरोप में. लेकिन इंडिया का सीन थोड़ा सा अलग था. जैसा कि हम लोग जानते हैं 1947 तक तो यहाँ पे किसी यूरोप के देश का ही कब्जा था. ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है और ब्रिटेन का कब्जा था यहाँ पे. इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग हु दे वेयर एंड व्हाट डिमाइंस देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ठीक है, ये लोगों के अंदर एक ऐसा भी बदलाव आया कि वो लोग हैं कौन, क्या उन लोगों को डिफाइन करती है. ठीक है, लोगों को अंदर किस तरीके से लोगों को नेशनलिज्म के अंदर, देश के अंदर हमारी आइडेंटिटी है क्या, उसको खोजने में मदद किया. ये यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे. न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज वर फोर्स्ड, न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मेकिंग दिस न्यू नेशनलिस्ट आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. हाउ डिज दिस कंसर्न इमर्ज इन इंडिया. ठीक है, तो ऐसा वाला चीज, नए नए हाइम्स जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, नए सॉन्ग्स, न्यू नेशनल फ्लैग, लोगों के अंदर एक पूरे तरीके से एक नया देश बन के उभरा था पूरा का पूरा यूरोप. लेकिन दूसरे देशों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ठीक है, तो वैसा ही एक एग्जांपल ले रहा है इंडिया का कि इंडिया में किस तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसी चीज को डिस्कस किया था, बट मैं फिर से आज एक नए सिरे से, नए तरीके से, जिससे तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए. ठीक है, हर एक चीज चैप्टर से रिलेटेड, हर एक पॉइंट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए. हम लोगों के पास बाबू टाइम बहुत है. ठीक है, हम लोगों के पास लॉकडाउन लग गया है, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कल से लॉकडाउन लग गया है. हम लोगों के पास टाइम बहुत है. हम लोग ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब तक ये रहेगा. तो हम बस इतना ही चाहते हैं आप लोगों से, तुम लोगों से मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें. ठीक है, और कोई भी चीज़ आप लोगों को, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए. सो आज से जो भी क्लासेस होंगे वो थोड़े लंबे होंगे और तुम लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में समझना है. चैप्टर का हर एक टॉपिक तुम लोग डील कर सको, लंबा समय लगेगा बट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. सो इंडिया में किस तरीके से ये सब चीज़ें डेवलप हुई, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is ultimately connected to the anti-colonial movement. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा वियतनाम था, वियतनाम पे भी दूसरे देश का कब्जा था, कॉलोनी था वियतनाम भी, तो इंडिया में भी वियतनाम की ही तरह नेशनलिज्म की भावना कैसे जागी, कॉलोनियल मूवमेंट से. गुलाम, जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे वहां से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था, वहां से ये पूरा का पूरा चीज जो था वो निकल के आया, लोगों के अंदर ये भावना जगी. इसके अलावा और क्या चीज था भाई, और कौन सी बहुत ऐसी जरूरी चीज थी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगने के लिए. एंटी कॉलोनियल तो लोग, चलो ठीक है, गुलामी से जितने भी लोग थे वो लोग गुलामी से परेशान हो रहे थे पूरी पूरी दुनिया में. इंडिया में भी उसी तरीके से ये नेशनलिज्म की भावना जगनी शुरू हुई. पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल ऑफ कॉलोनिज्म. ठीक है, लोगों को अपनी एकता का प्रदर्शन, लोगों को एकता की भावना जगी, हम लोग एक हैं. ठीक है, तो कैसे ये जगह, जब वो लोग
कॉलोनीज के कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना शुरू किया। जब सारे लोग एक साथ आवाज उठाना शुरू किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे यूनिटी नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगनी शुरू हुई। द सेंस ऑफ बींग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, जो एक भावना, ऐसी भावना, ऑप्रेस्ड, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है किसी पे शोषण करना, किसी पे दबाना, किसी को, ठीक है, किसी को हद से ज्यादा दबाना, उसको हम लोग ऑप्रेस्ड कहते हैं। तो जो लोग सेंस ऑफ ऑप्रेस्ड, सारे लोग दब रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे लोगों पे शोषण होता था। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही थी कि किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता था शोषण होने में, हर किसी को बराबर शोषण होता था। तो लोग जो गरीब हुआ करते थे, जैसे किसान लोग हो गए, ठीक है, काम करने वाले लोग, छोटे छोटे वो लोग जो कि छोटा छोटा व्यापार किया करते थे, हाथ से बनाने वाले का लोग, हैंडलूम्स जो बनता था, हैंडीक्राफ्ट जो भी चीज़ें बनती थी, तो वो सारी चीज़ें, वैसे लोग बहुत परेशान थे, वो सारे लोग दब रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो सारे लोग एक साथ आना शुरू किए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट दैट इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंसेस वेयर वैरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हर क्लास, जितने भी लोग, जैसे किसान हो, रिच मर्चेंट्स हो या गरीब बिजनेसमैन हो, सारे के सारे लोगों का ये एक अलग व्यू से देखते थे, इन लोगों का देखने का नज़रिया अलग था। ठीक है, सारे के सारे लोग एक नज़रिए से इसको नहीं देखते थे, हर किसी को सेंस ऑफ कलेक्टिंग आइडेंटिटी नहीं थी, हर किसी के नज़र में कॉलोनियलिज्म एक अलग तरह का ऑपरेशन था। वो लोग एक पूरे तरीके से एक देश के साथ मिलकर, जैसे हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, वैसे नहीं खड़ा हो रहे थे ये लोग। और सबसे बड़ा बात, ठीक है, इन लोगों के लिए आज़ादी, आज़ादी का मतलब हर किसी का कुछ और था, हर कोई आज़ादी, जैसे कि एक किसान है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक किसान से अगर हद से ज़्यादा अगर उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू अगर वसूला जा रहा है किसानों से, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा? उनके लिए आज़ादी का मतलब होगा कि सरकार उनसे पैसे कम वसूले, यही होगा उनके लिए आज़ादी का मतलब। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो थी ये बहुत ज़रूरी थी, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएँ घट रही थी, हर किसी का फ्रीडम को देखने का नज़रिया अलग अलग था। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें थी भाई? द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप्स टुगेदर विद वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट मर्ज विद कॉन्फ्लिक्ट। महात्मा गांधी जब देश में लौट के आए, 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में लौट के आए थे, इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी जब इंडिया में लौट के आए, तब महात्मा गांधी ने इसको एक साथ इतने सारे लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन बिना भी, जैसा कि तुम लोग जानते हो, देश के अंदर कई तरह के, कई धर्म के लोग रहा करते हैं, और ये आज से नहीं रह रहे हैं, देश के अंदर कई धर्म के लोग कई समय से, बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने इन लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश तो की, लेकिन विवाद जो था, इन लोगों के बीच में इतना विवाद था, वो लोग एक साथ जुड़ के नहीं रह पाए। इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड स्टडी ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स। इसके पहले वाले क्लासेस में तुम लोगों ने जो भी नेशनलिज्म, जो भी देशभक्ति की भावना, जो भी कहानियां तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, 10th में, तुम लोग 9th क्लास में, 9th क्लास के हिस्ट्री में क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन है तुम्हारे हिस्ट्री में, 9th क्लास के हिस्ट्री में तुम्हारा इंडिया से रिलेटेड कोई है ही नहीं कहानी, ठीक है, 9th क्लास के हिस्ट्री में क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया है, नाजीज़म वर्ल्ड वॉर टू के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा कब है, इससे पहले इंडिया के रेवोल्यूशन के बारे में, 8th क्लास में, ठीक है, 8th क्लास में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, बस याद करो, तो किसी को याद भी होगा, आई डोंट थिंक सो किसी को याद भी होगा। तो 8th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था 1857 का रेवोल्यूशन, ठीक है, मंगल पांडे, उसके अलावा और भी बहुत सारी, तो उस वो रेवोल्यूशन जो 1920 से पहले की घटनाएं थी, ठीक है, 1857 उसके आसपास के, ऐसे ऐसे तुमने रेवोल्यूशन पढ़, जैसे नाना साहेब का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तो ये पूरा का पूरा चीज तुम लोगों ने पढ़ा था। तो सारा का सारा हिस्ट्री जो इसके पहले वाले क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ तक था। 10th क्लास में जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो ये चैप्टर है, ये वो हिस्ट्री डील करेगा, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री था, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री है,
ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये 1920 के बाद का मॉडर्न हिस्ट्री है। सो 1920 के बाद क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 1920 के बाद से क्या क्या चीजें हुई थी पूरी पूरी दुनिया में, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। हम लोग क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हम लोग खोज करने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस ने एक नेशनल मूवमेंट पूरे के पूरे देश में क्रिएट किया, कैसे एक राष्ट्रीय मूवमेंट जिसमें कई तरह के लोगों ने साथ मिलकर हिस्सा लिया, इसके अलावा कई तरह के सोशल ग्रुप्स ने, और कैसे नेशनलिज्म की भावना जो थी वो लोगों के इमेजिनेशन तक पहुंची। ठीक है, लोग इसको कैसे देशभक्ति की भावना को किस तरीके से देखने लगे और किस तरीके से लोगों को ये दिमाग में बैठ गया, बस गया कि ये जो नेशनलिज्म की भावना होगी ये किस तरीके की होगी, एक नेशनल मूवमेंट जो कांग्रेस ने क्रिएट किया, यही सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा कि तुम लोगों को पता है, कि अगर किसी को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे कि मेरे को पता है कि तुम्हारे क्लास में किस तरीके के हैं, तो तुम लोगों को किस तरीके क्या क्या चीजें पता होंगी वो तो ऑफलाइन क्लास रहता, तो मैं सामने पूछता, मेरे को पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स किन को कौन कौन सा नॉलेज होगा। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 में जाके खत्म हुआ। सो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 टू 1918। खिलाफत मूवमेंट ये ऐसा मूवमेंट था जो गांधी जी, कांग्रेस, जितने भी मूवमेंट इसके बाद के तुम लोग देखने वाले हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन हो, असहयोग आंदोलन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग देना, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, या फिर खिलाफत, खिलाफ हो जाना, ये सारे के सारे इंडियन मूवमेंट्स हैं। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोग किस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह में खड़े होने लगे, वही सब चीजें बताया गया इस चैप्टर में। सो इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, incorporating with new social groups and developing new models of struggle. How do you understand these developments? What implications did they have? 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों ने देखा कि नेशनल मूवमेंट, देशभक्ति की जो मूवमेंट थी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आइडियाज के थ्रू लोगों तक फैलने लगी, और क्या क्या होने लगा, नए नए सोशल ग्रुप्स जुड़ने लगे एक साथ, एक नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल, नए नए तरीके संघर्ष के, नए नए तरीके खोजे जाने लगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का बनना, ठीक है, इनके अलावा जैसा कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज में बिलीव करते थे कि जो स्ट्रगल होगा द फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोग अहिंसा, दो रास्ते थे, ठीक है, एक अहिंसा और एक हिंसा, ठीक है, वायलेंस और नॉन वायलेंस। तो लोग जो थे वो रास्ते खोजने लगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम लोग ये संघर्ष करेंगे और कैसे ये हम लोगों को एक पूरा का पूरा आजादी तक ले जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले हम लोग वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया पूरा दुनिया में और इंडिया में, बेसिकली इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत सारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया था पूरा दुनिया में, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और पॉलिटिकल स्थिति पूरा राजनीतिक स्थिति डगमगा गई थी पूरी दुनिया के। इनके अलावा इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो डिफेंस में, डिफेंस का मतलब होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारी चीजों को हम लोग डिफेंस कहते हैं, तो डिफेंस में खर्चा बढ़ने लगा। ठीक है, अब वॉर हुआ था भाई, अभी युद्ध हुआ था, तो वॉर में तो भाई बिना डिफेंस के तो वॉर किया नहीं जा सकता है, तो डिफेंस में खर्च बढ़ने लगा।
और ये जो खर्च बढ़ रहा था, ये खर्च का भरपाई कहाँ से हो रहा था? तो टैक्सेस से। टैक्सेस किस पे इम्पोज किए गए थे? तो लोगों पे, इंडिया के लोगों पे। सो टैक्सेस बढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज बढ़ाया जाने लगा। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसी समय इनकम टैक्स दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो ये पूरा का पूरा चीजें होने लगा। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। पूरा का पूरा जितना साल में युद्ध चला, महंगाई बहुत बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ता चला गया पूरे के पूरे देश के अंदर। और 1913 में जितना महंगाई था, 1918 आते आते तक दुगना हो चुका था। 5 साल में पूरा का पूरा महंगाई दर दुगना हो चुका था। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और इससे आम जनता, जो गरीब लोग थे, उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। जैसे आज कोविड के टाइम में लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई है, उसी तरीके से वॉर उस पूरे कंट्री को झकझोर के रख दिया था, झंझोर के रख दिया था। हालत बहुत बुरी हो गई थी इंडिया के उस सिचुएशन में। इसके अलावा विलेजर्स वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज वर्ल्ड कॉज वाइडस्प्रेड एंगर। गांव में लोग करने क्या लगे, अंग्रेज लोगों ने क्या करने लगे अंग्रेज लोग, कि गांव से उनको सोल्जर्स की जरूरत थी, जितना हो सके उनको सोल्जर्स की जरूरत थी। तो सोल्जर्स के लिए उन लोगों ने क्या करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, एक गांव से लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे, जबरदस्ती भर्ती करने लगे। वो लोग जो भी लोगों को देखते थे कि हाँ ये अच्छा खासा है, ये फिट है, दिस कैन बी फिट इन आवर आर्मी, तो तुरंत उन लोगों को भर्ती किया जाने लगा। इस तरीके से ये सब चीजें होने लगी और इससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा निकल गया। अब भाई जबरदस्ती किसी को आप भर्ती करोगे तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है तो वो लोग तो गुस्सा होंगे। यही सब होने लगा लोगों के अंदर, भड़क गए लोग। देन इन 1918 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1918 और 1920-21 में उस समय इंडिया के अंदर बहुत जगह पे क्रॉप्स फेलियर हो गया। क्रॉप्स फेलियर मतलब फसल खराब हो गया पूरे पूरे इंडिया में बहुत सारे जगहों पे, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड। इससे क्या हुआ कि खाने की कमी होने लगी। उन लोगों को पता है कि इंडिया में पहले ग्रीन रेवोल्यूशन 1973 में हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया की फसलें उतना ज़्यादा पैदावार ऐसे भी नहीं करती थी, और अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें पूरा का पूरा फसल खराब हो जाए तो देश की हालत अपने आप खराब हो जाएगी। तो यही हो चुका था। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हुई थी भाई? हाँ, दिस वॉज एकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921 12-13 मिलियन पीपल पेरिश्ड टू द रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड एपिडेमिक। ये एक और समय था। देखो सीधा सा एग्जाम्पल, 2021 चल रहा है, 2020 में हम कोविड आया था, तो हम लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत सारे जगह पे ये सुना होगा, ठीक है, कि 100 साल पहले भी एक ऐसा ही कुछ एपिडेमिक आया था, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है एक पूरा का पूरा, सॉरी, एपिडेमिक का मतलब होता है एक पूरा का पूरा जब नस्ल खराब हो जाती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बीमारी, उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं, जो कि एक बहुत सारे लोगों के डेथ होते हैं। सो ऐसा वाला एपिडेमिक 1920 में भी आया था, उसी की बात हो रही है। क्रॉप फेलियर, स्पैनिश फ्लू आया था 1920 में, जैसा कि तुम लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा। तो स्पैनिश फ्लू के आने से इंडिया में क्रॉप फेलियर भी हुआ था और ऐसा वाला एपिडेमिक भी हुआ था। तो इससे पूरा का पूरा जो डेथ हुआ था, एक सेंसस का मतलब जनगणना, तुम लोगों को पता है 8 क्लास में तुम लोगों ने यह पढ़ा होगा कि अंग्रेज सरकार ने जनगणना का सेंसस जो थी, जो शुरुआत हुई थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू की थी। तो सेंसस 1921 की सेंसस के अकॉर्डिंग, हर 10 साल का सेंसस होता है, सेंसस के अकॉर्डिंग 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो खत्म हो गए थे, देश की आबादी खत्म हो गई थी। मतलब एक समझ लो कि 1,20,00,000 से लेके 1,30,00,000 के बीच के लोग जो थे वो मर गए थे, ठीक है। फैमीन भी आया था उसी समय। फैमीन का मतलब क्या होता है? सूखा, ठीक है, तो फैमीन भी आ गया था। इसके अलावा ये एपिडेमिक भी आया था। तो इससे देश की हालत जो थी, 1,20,00,000 से लेके 1,30,00,000 लोग मर गए, इससे बहुत बुरा स्थिति हो गया था देश के अंदर। पूरा का पूरा देश जो था, एक अंग्रेज लोग, पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी ही हालत खराब थी, और ऐसा कुछ हो जाना, क्रॉप फेलियर हो जाना, एपिडेमिक आ जाना, और उस समय ऐसा कोई वैक्सीनेशन ऑक्सीनेशन का भी सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारे लोग मरे थे उस समय भी। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड टू द सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी समय जब लोगों के हाथ में ना पैसा था, ठीक है,
लोगों के हाथ में किसी तरीके का एकदम मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था, गरीबी अति गरीबी में लोग पहुंच गए थे। उस सिचुएशन में जब लोग किसी तरह कोई फ्रीडम स्ट्रगल करने के लिए सक्षम नहीं थे, एक आदमी आया निकल के लोगों के बीच से, ठीक है, लोगों के बीच में एक आदमी निकल के आया जिसने एक नया तरीका लोगों को बताया स्ट्रगल करने का, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, जो कि था नॉन वायलेंस। कौन था वो आदमी जो कि इस न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल में बिलीव करता था और लोगों को इससे लेके एक नया स्ट्रगल करने के लिए, एक नया संघर्ष आजादी के लिए शुरू किया था उन्होंने, जैसा कि तुम लोग जानते हो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल अपनाया और इससे एक नया तरीके का युद्ध के लिए अगर आपको संघर्ष करना है तो नया तरीका अपनाइए, यही गांधी जी ने सजेस्ट किया था नॉन वायलेंस के थ्रू। महात्मा गांधी ने लोगों को नेशनलिज्म के लिए, नेशनल मूवमेंट्स के लिए प्रेरित किया था। ओके, वन मिनट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस के थ्रू महात्मा गांधी ने ये नया मोड ऑफ स्ट्रगल लोगों को दिया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य के रास्ते पे चलना, सत्य के रास्ते पे चलना, ये जो आइडिया था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी लेके आए थे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यहां से एक नया चीज शुरू हुआ पूरे के पूरे देश में, एक नई चीज देखी कि कैसे कोई एक ऐसा इंसान है जो नंगे बदन रहता है, धोती पहने, लाठी लिए एक इंसान निकल पड़ता है सत्य के रास्ते पे, और उसके पीछे पीछे किस तरीके से भीड़ जो है वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है, ठीक है। ये आइडिया क्या था सत्याग्रह का, महात्मा गांधी कैसे इसको आगे लेके गए और कैसे देश के अनेक जगहों पे उन लोगों ने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, महात्मा गांधी इंडिया कब रिटर्न हुए थे, रिटर्न इंडिया इन 1915 में महात्मा गांधी इंडिया रिटर्न हुए थे। उसके बाद एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। उन लोगों को पता है, उन लोगों को सुने होंगे कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में भी थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया गया था, साउथ अफ्रीका में उन्होंने इसी प्रोसेस के थ्रू, सत्याग्रह के ही थ्रू, उन लोगों ने, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक बदलाव लाया था, ठीक है। क्या हुआ था वो इंसिडेंट, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ वो इंसिडेंट। महात्मा गांधी वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करने गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास में महात्मा गांधी बैठे हुए थे। भाई महात्मा गांधी कोई गरीब तो थे नहीं, तो महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे और एक अंग्रेज आया जिसने देखा कि एक इंडियन, वहां पे इंडियंस और ब्लैक्स के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था, ठीक है, जैसा कि तुम लोग पढ़े हो गए, अगर नहीं पढ़े ही हो गए, अपार्थिड चलता था, अपार्थिड जिसमें इंडियंस और सॉरी इंडियंस किसी भी कलर के लोग, किसी भी स्किन का कोई भी कलर हो, ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस के अलावा सारे लोगों का के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार किया जाता था। तो महात्मा गांधी को देखा किसी ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए, तो उसने क्या किया कि टीटी को बुलाया और महात्मा गांधी को ट्रेन से भिजवा दिया। महात्मा गांधी को ये बात इतनी बुरी लगी कि महात्मा गांधी ने ये पूरा का पूरा एक चेंज लाने के लिए साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के स्ट्रगल के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पे सत्याग्रह के थ्रू वहाँ पे एक पूरा बदलाव लाया, मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का मतलब होता है कि लोगों को एक साथ मिला के एक ऐसा आंदोलन करना जिसमें सरकार को झुकनी पड़े। सो ऐसा कुछ महात्मा गांधी करके आए थे और सक्सेसफुली वो एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था, एक सक्सेसफुल संघर्ष था जो महात्मा गांधी वहां पे करके आए थे। तो सत्याग्रह के लिए ये बहुत बड़ा चीज था। इसके अलावा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ। सत्याग्रह है क्या भाई, पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च द ट्रूथ, सच की ताकत और सच की खोज, इसी को कहते हैं हम लोग सत्याग्रह। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च द ट्रूथ, नीड टू सर्च द ट्रूथ, यही होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह इसी को कहते हैं हम लोग।
तो महात्मा गांधी ने इसी को अपना हथियार बनाया. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन. महात्मा गांधी का कहना यह है कि अगर आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके लड़ने की जो पीछे का जो रीजन है, जो जिसकी वजह से आप लोग लड़ रहे हैं, अगर वो सही है तो आपको किसी भी तरीके से कोई फिजिकल पावर लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अपना जो सक्षम है आप इस तरीके से आप दबाने वाले को बिना किसी तरीके फिजिकली अब्यूज किए हुए, बिना हाथ का, बिना बल का इस्तेमाल किए हुए आप उसको हरा सकते हैं. ये होता है, ये इस चीज में महात्मा गांधी बिलीव किया करते थे. इसके अलावा विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव और सत्याग्रही विल गुड बैटल विदाउट नॉन वायलेंस, बिना गुस्सा किए, बिना किसी तरह के बदले की भावना. वेंजेंस का मतलब होता है बदले की भावना. बिना बदले की भावना के, बिना गुस्सा किए हुए आप किसी जगह पे भी जीत सकते हैं. पता है ये चैप्टर तुम लोगों को सामने पढ़ाने का हमको बहुत मन था, बट कोई नहीं. सो इस तरीके से आप इसको जीत सकते हैं. इसके अलावा दिस वुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन, अंदर सामने वाले के भीतर, सामने वाले को भीतर तक झकझोर के. सत्याग्रही करता क्या है कि एक ऐसा रास्ता अपनाता है जिससे सामने वाले को एकदम भीतर तक झकझोर के रख दिया जाए, उसी को कहते हैं हम लोग सत्याग्रही. आप उस तरीके से कर सकते हैं. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू रिसोर्टेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि वो लोग जो कि आपको दबा रहा है, आपको किसी तरीके से नीचा दिखा रहा है, उसको सच दिखाने की जरूरत है. ठीक है, ना कि जबरदस्ती उनको सच को गवाने की जरूरत है. मतलब सच के बारे में ऑपरेशन जो है उनको किसी तरह से फोर्स नहीं किया सकता कि आप सच मानिए. ठीक है, सच मानने की जरूरत नहीं है उनको, उनको सच दिखाइए. ये दिखाता है सत्याग्रह, यही है सत्याग्रह. By this struggle, truth was born to ultimately triumph. और इस संघर्ष से सच जो है वो ultimately जीतेगा ही, हमेशा उसकी विजय होगी ही सच्चाई की. महात्मा गांधी believed that this dharma of non-violence could untie all Indians, could unite all Indians. तो महात्मा गांधी को ये लगता था ये जो धर्म है non-violence का, ठीक है, अधर्म का ये, ठीक है, महात्मा गांधी ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये सारे लोगों को यूनाइट कर देगा. क्योंकि हम लोग एज अ इंडियन हम लोग इस चीज में बिलीव करते हैं, हम लोग शुरू से ही इस चीज में बिलीव करते हैं, अहिंसा परमो धर्म. ठीक है, ये इंडियन का या हिंदुस्तानी लोगों का एक स्लोगन रहा है हमेशा से कि बिना लड़ाई झगड़े के हम लोग किसी भी चीज का सोल्यूशन खोज लेते हैं. तो महात्मा गांधी को लगता था कि यही हम लोगों को एक सूत्र में बांधेगा, यूनाइट करेगा. इसके अलावा आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने जगह जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे जगहों पर उन्होंने किया था. 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, 1916 में चंपारण इन बिहार, 16 में चंपारण इन बिहार, 1916 में बिहार आए थे और यहीं से उनके सत्याग्रह का पहला आंदोलन शुरुआत हुआ था. 1916 में बिहार आकर उन्होंने चंपारण में यह ऑर्गेनाइज किया था. 1917 में ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. 1917 में खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के किसानों के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी ने. यह दूसरा था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, गुजरात में, दूसरा था ये 1917 में. इसके अलावा महात्मा गांधी ने अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स. क्या था यहाँ पर, हुआ क्या था, क्रॉप फेलियर हो रहा था, क्रॉप फेलियर हो गया था, जैसा कि तुम लोगों को पता है फसल खराब हो गया था. उसके बाद में ब्रिटिशर्स उनसे टैक्सेस मांग रहे थे, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कि वो लोग सक्षम नहीं थे टैक्सेस देने के लिए, तो उन लोगों के लिए महात्मा गांधी खड़े हुए थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में. और यहीं से उनका ये दूसरा मूवमेंट था, उनके लिए खड़े होकर वो सत्याग्रह के थ्रू ये पूरा का पूरा सिस्टम शुरू किए थे. इसके अलावा 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स. 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे, उन्होंने वहाँ एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था फॉर द अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स. कॉटन मिल था वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट 1918 में ऑर्गेनाइज किया था अहमदाबाद. ये तीनों का तीनों सत्याग्रह मूवमेंट जो था, ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. साल, जगह
साल जगह आप लोगों को तीनों याद रखनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, और इससे रिलेटेड मैप भी आता है, हिस्ट्री से भी मैप आता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को साल के साथ और जगह के साथ याद रखें। चंपारण कहाँ है मैप में, बिहार के मैप में चंपारण कहाँ पे है वो याद रखें। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कहाँ है वो आप लोग खोज के याद रखें, ठीक है। बुक में है, आपके बुक में आप देखिएगा तो आपको दिखेगा चंपारण भी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भी और अहमदाबाद भी, और साल के साथ आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने सबसे आते के साथ 15 में आते के साथ उन्होंने 16, 17, 18 लगातार वो सत्याग्रह मूवमेंट साल दर साल जगह जगह पे किए, और लगभग जितना भी सत्याग्रह मूवमेंट था महात्मा गांधी का वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे किस तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट रॉलेट एक्ट क्या था और क्या क्या चीज़ें हुई आने वाले समय में, हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सो दिस वॉज इट क्लास, we will meet in the next class. Thank you so much. I hope you are doing very well. ठीक से रहिए, ठीक से घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। Thank you class. Thank you so much.